तो आज मैं आपको लेके चल रही हूँ गुड़गांव में मार्केट, दैट इज बंजारा मार्केट, सेक्टर 56 में भी है और सेक्टर 62 में भी है। तो अभी हम 56 वाली मार्केट में आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं। तो चलते हैं फिर। मार्केट में आपको सिरेमिक्स, रग्स, कारपेट सब कुछ मिलेगा, बट आपको चूज करना आना चाहिए, क्योंकि मैं गई थी विदाउट एनी प्लानिंग। मुझे इतने सारे ऑप्शन यहाँ दिख रहे थे, बट मैं समझ नहीं पा रही थी मैं घर के लिए क्या क्या लूँ नहीं लूँ। बट नेक्स्ट टाइम अगर आप प्लान कर रहे हो बंजारा मार्केट जाने के लिए, मेक श्योर अपनी आप लिस्ट बना दो कि आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट्स है, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ सर्च करना शुरू कर दो, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन देख के कन्फ्यूजन तो बनती ही बनती है। आपको काफ़ी सारे टेबल्स दिख जाएंगे, देन सिरेमिक्स जैसे आज यहाँ दिख रहे हैं आपको। उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी अच्छे लैंप्स के ऑप्शन मिल जाती हैं आपको। अगर आप आउटडोर फर्नीचर ढूंढ रहे हैं वो भी आपको मिल जाएगा, बट आपको पहले सोच के जाना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला मेरी और खाली घर वापस लुट के आ जाओगे। नो डाउट इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो लोग चाहते हैं बजट फ्रेंडली होम डेकोर अपने घर के लिए, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप यहाँ से अपने घर के लिए काफी चीजें ला सकते हैं। वन स्मॉल टिप, अगर आप बंजारा मार्केट जा रहे हैं तो अपने साथ पानी की बॉटल जरूरी लेके चाहिए, या तो फिर शाम को लेट आवर्स पे ही चाहिए। बंजारा मार्केट से फ्री होके हमने डिसाइड किया कि चाय पीने के लिए कहीं चलते हैं, तो हम निकल पड़े चाय उसकी तरफ। तो आप इंजॉय कीजिए मेरे सिनेमैटिक शॉर्ट्स, आज मुझे लगता है मैंने काफ़ी अच्छे एंगल से शूट किया, तो आप इंजॉय कीजिए सिनेमैटिक्स को और मैं लेके चलती हूँ आपको चाय। ओके, जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी आपको दिखने वाला है रियल स्ट्रगल ऑफ अ फुटबॉल लवर। अभी हम चाय आए थे, किसी को याद आया बाद में कि मैच है टीम को, कोई यहाँ बैठ के रह सके। अब घर जाना पड़ेगा क्या बोला आपने? क्यों तो मतलब मैं क्या करूँ बैठ के, मैं मैच देखूँ? अब एक घंटा यहाँ बैठ के मैच देखेंगे? नेक्स्ट वन आवर मुझे वेट करना है, क्योंकि मैच देख रहे हैं और किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। कितने खुश क्यों हो रहे हो? तो फाइनली कोई बहुत खुश है उनकी ट्रेन में मूव कर दिया, कि खुशियों के देखने से बढ़ती है। चाय पीना कुछ तो फायदा रहा। जब आपकी फेवरेट टीम गोल कर देती है तो आपकी मैच में आपका इंटरेस्ट डबल ट्रिपल जाता है, वही यूएन के साथ। तो हमने डिसाइड किया कि हम घर जा रहे हैं। इन्हें मैच देखना था और मुझे पार्क में एंजॉय करना था, तो समझदार पति की तरह ने मेरी बात मानी और मैच देखा पार्क में बैठ, और इसे कहते हैं बीवी का खून। अभी हम वॉक पे, इवनिंग वॉक पे आए हुए, और किसी का मैच अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। मतलब वॉक भी कोई ऐसे कर सकता है, मैं तुमको बता रही हूँ कि ऐसे भी वॉक होते हैं। एक बार यहाँ देखना, आप इतने खुश क्यों? जीती है। एक बजे भी कोई इतना खुश हो सकता है अपने मैच देखने के लिए? यहाँ देखना, मैच आ रहा हो ना, तो मुझे लगता है इनको अगर सुबह के 4 बजे भी उठा दोगे ना, इतने एक्साइटमेंट से मैच देखेंगे। अगर मैच मैनचेस्टर का हुआ, मैच नहीं मैच, अगर मैच मैनचेस्टर का हुआ तो एक भी साइड में देखना जरा पीछे यहाँ पे। तो आप देख रहे हो ना स्ट्रगल ऑफ फुटबॉल लवर, की अपनी नींद कैसे सैक्रिफाइस करनी पड़ती है फुटबॉल के मैचेस के लिए। हाथ का बना हुआ खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगा, तो किसी ने बाहर से कुछ ऑर्डर किया। यहाँ देखना, खाना टेस्टी नहीं था। अगले दिन सुबह उठ के अगर आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिले, तो आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है, आपका माइंड इतना रिफ्रेश हो जाता है। गुड़गांव में पिछले 2-4 दिन मौसम काफ़ी अच्छा रहा है, थोड़ी सी बारिशें भी होती रही, और मतलब आपको एसी ऑन नहीं करना पड़ रहा। इससे बड़ी खुशी खबरी क्या हो सकती है गुड़गांव में आपको, अगर मई में एसी न चलाना पड़े। तो इस व्लॉग को रखते हैं यहीं तक, होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ये व्लॉग अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।